ये सरकार तो बेशरम है, बेहया है, इसको अपने देश की साख की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन इतना क्या डर है ऋतु से कि उसको रात को क्रैकडाउन करना पड़ रहा है? लेकिन ऐसा क्या डर है कि आपको पुलिस पीएसी लगाना पड़ा और उसके पूरे सारे सामान को फेंक दिया गया, सबको जब्त कर लिया गया, सबको आपने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, ताकि अच्छा वहां इतना ही नहीं बल्कि वहां पानी भरा जा रहा है, उसको गीला किया जा रहा है ताकि वहां कोई बैठ ना पाए दोबारा। तो इस एक तरीके से आप जनता की आवाज को खामोश कर रहे हो, है ये सरकार के लिए ये बहुत बेशर्मी और कायराना हमला है। जनता कमजोर है, जनता डरी है, लेकिन वोट डालते समय तो नहीं डरेगी ना। जब कोई दंगाई बलवाई सत्ता पे कायम होता है तो ये डर बहुत लाजमी है। ये तो दंगाई है, ये तो बलवाई है, ये तो लिंचिंग करते हैं और इन लिंचिंग करने वालों को बढ़ावा ही सरकार देती है। अगर माइनॉरिटी सेफ फील नहीं कर रहा है तो सरकार की फेलियर, माइनॉरिटी की थोड़ी फेलियर है। ऋतु से इतना डर लग गया कि आपको रात में कार्रवाई करनी पड़ रही। ये कायर लोग हैं, ये बुजदिल लोग हैं, ये बुजदिली का परिचय अपना देते रहते हैं। क्या घोषित इमरजेंसी है? लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को जो है दबाया जा रहा है, लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कोई भी इसके सपोर्ट में आएगा तो उसका भी हश्र यही होगा कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और न कभी बनेगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव। जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु सिंह का जो प्रोटेस्ट है वो हटा दिया गया है, वो उसमें बता रही हैं एक वीडियो में कि मैं बस फ्रेश होने गई, तमाम फिर दोबारा जब आके देखा तो उनका टेंट वेंट तमाम चीज़ें सब हटा दी गई थी। उसी को लेके वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि बहुजन समाज की आवाज़ बन रही थी, उसी को लेके वो प्रोटेस्ट कर रही थी। उनको भी यही बताया जा रहा था कि जिस तरीके से बहुजन समाज का प्रोफेसर होने के नाते उन्हें निकाल दिया गया और तमाम चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। वहीं लक्ष्मण यादव भी इसमें थे कि बहुजन समाज का प्रोफेसर होने के नाते उनको भी निकाल दिया गया था। तो बहुजन समाज की आवाज़ बन रही थी और बहुजन बेटी जो है विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक, फिर भी इस तरीके से उनको हटा देना वहाँ से और डिटेन करके ले जाना, इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। कौन सा नियम कानून कहता है कि किसी को आंदोलन को रात को क्रैकडाउन करना? ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था? इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, तो रात को क्रैकडाउन करने के पीछे की मंशा क्या है? मतलब आप सीधा सीधा आप इतना ब्रूटल हैं, आप इतना बर्बर तरीके से, इतना निर्दयता के साथ जो है किसी महिला के ऊपर उसके आंदोलन को, उसकी स्पिरिट को तोड़ रहे हैं, उसके जज्बे को तोड़ रहे हैं। क्योंकि दिन में आप नहीं तोड़ सकते, एक दिन में लोग जुट जाएंगे, इसलिए आपने बहुत कायराना तरीके, मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बहुत पावरफुल है, स्टेट के पास पुलिस है, मिलिट्री है, लेकिन इतना क्या डर है ऋतु से कि उसको रात को क्रैकडाउन करना पड़ रहा है? मतलब डॉक्टर, हाँ डॉक्टर ऋतु से इतना क्या डर है भाई? मतलब आप वो दिन में जा सकते थे, बात कर सकते थे, नोटिस दे सकते थे, आप उस पर कानूनी दायरे में कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या डर है कि आपको पुलिस पीएसी लगाना पड़ा और उसके पूरे सारे सामान को फेंक दिया गया, सबको जब्त कर लिया गया, सारा एकदम एक एक चीज़, झंडा, बैनर, पोस्टर, जो भी वहाँ आंदोलन के जितने भी लॉजिस्टिक थे सबको आपने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, ताकि अच्छा वहाँ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पानी भरा जा रहा है, उसको गीला किया जा रहा है ताकि वहाँ कोई बैठ ना पाए दोबारा। मतलब ऐसा क्या है? उसने तो अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कोई लोग आने जाने में आवागमन का रास्ता बाधित हो रहा हो, मतलब बहुत शांति से आंदोलन चल रहा है, तो आपको ऋतु से इतना डर लग गया कि आपको रात में कार्रवाई करनी पड़ रही, आपके पास इतना बड़ा स्टेट होते हुए भी, मतलब ये तो दिल्ली पुलिस और जो है ये होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि मतलब आपकी क्या हैसियत है। यही सब पुलिस अपने स्तर से कर रही है कि इसमें इन्वॉल्व सरकार, पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम मिनिस्टर क्या है, अमित शाह जी हैं, तो ये बिना उसके निर्देश से या बिना उसके महकमे के कंसेंट के तो पुलिस तो कुछ नहीं, पुलिस तो जो उसको कहा जाता है वो तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है ना, एग्जीक्यूट करती है अपने। तो आंदोलन से डर गई ही सरकार या पुलिस? अब आंदोलन से डर गई है, ऋतु से डर गई है, या कुछ उन सवालों से डर गई है, तभी तो रात को अंधेरे में, अगर मैं कह रहा हूँ आपको डर नहीं है तो आप दिन में बात करिए ना, ये रात को जो है एकदम 4 बजे आ करके किसी आंदोलन को, धरने को आप तबाह करना, तो मतलब आप मान रहे कि आप अपने आप कितने कमज़ोर हो, कितने डरे हुए हो। तो ये क्या सर, आप रात के अंधेरे में ही आंदोलन उठाए जाएंगे, किसान आंदोलन में भी रात के शाम के टाइम? ये कायर लोग हैं, ये बुजदिल लोग हैं, ये बुजदिली का परिचय अपना देते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी देश में हो रहा है वो नियम कानून के दायरे में हो रहा है, जितना आपको नियम को इम्प्लीमेंट करने का है उतने उसी नियम के तहत अधिकार भी दिया गया है विरोध प्रदर्शन करने का। तो अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना, आप नोटिस लेके आइए जो है वो करके रखिए, वो नहीं करेंगे तो आप जिसको जेल में डालिए, दिन में डालिए ना,
आप बंद कर दीजिए रितु को, जेल में डाल दीजिए। लेकिन सर कल रितु जब पुलिस के साथ उनके छीना झपटी या भिड़ंत हो रही थी, उन्होंने भतीरी अपील करी भावुक होकर, लेकिन लोग वहां पर नहीं पहुंचे जो लोग को डराया गया है। देखिए मैं कह रहा हूं लोग स्टेट, यही तो कह रहे हो कि अघोषित इमरजेंसी है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को जो है दबाया जा रहा है, मतलब लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कोई भी इसके सपोर्ट में आएगा तो उसका भी हश्र यही होगा। तो इस एक तरीके से आप जनता की आवाज़ को खामोश कर रहे हो, जनता के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस गवर्नमेंट के प्रति, बस वो डर के मारे भले कुछ कह दे, डर के मारे भले कुछ ना बोले, लेकिन ये कहे कि जबरन आप इस जनता के सपोर्ट में या सरकार के सपोर्ट में कोई है, तो कहीं नहीं है। ये इनका डर दिखाता है कि एक अकेली महिला से डरे हुए हैं, जो इतने लंबे समय तक आंदोलन कर रही है उसके आंदोलन से डरे हुए हैं, और इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आने वाला चुनाव है, चुनाव में होगा कि भाई ये सवाल तो उठेगा ना कि एक दलित महिला इतने लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जब उसकी नहीं सुन रही है तो कैसी ये सरकार है जो दलितों की बात कर रही है भाई, एक उसको क्या चाहिए भाई, उसको न्याय तो मांग रही है, और इतनी बड़ी स्टेट है, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है, दे न्याय एक दलित महिला को, न्याय देने से उसको क्या। तो यही है ना पूरा कि जो जितने भी बहुजन प्रोफेसर हैं उनको निकाला जा रहा है, उसी के ऊपर लेकर वो आंदोलन कर रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ एक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि रितु का जो केस है, ऐसे कई लोग हैं जिनको करीब 3,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया है यूनिवर्सिटी से, वो लोग हैं जो मतलब अंदर ही अंदर सिसक करके रह गए, वो बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं तो इतने डराए गए कि बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया रहा। रितु निडर है तो बोल रही है, लड़ रही है, लक्ष्मण निडर है तो बोल रहा है, लड़ रहा है, तो उसको जो है उसकी तरफ अलग तरीके से उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा बहुत हीनियस है ये सरकार के लिए, ये बहुत बेशर्मी और कायराना हमला है। तो क्या इन चीज़ों का चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा जिस प्रकार ये हो रहे हैं चुनाव पर? भाई जिस समुदाय को आप मारोगे, दलित समुदाय के हौसले को तोड़ोगे, कुछ की महिलाओं को जो अपनी जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रही है उसको आप इस तरीके से हमला करोगे, तो सोच तो सब रहा है महसूस, मैं कह रहा हूँ कि हम कमज़ोर हैं, जनता कमज़ोर है, जनता डरी है, लेकिन वोट डालते समय तो नहीं डरेगी ना, वोट तो डलेगा। सर आप बार बार कह रहे हैं जनता डरी हुई है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तमाम जो मुस्लिम बड़े बड़े लीडर हैं सांसद वो अपील कर रहे हैं कि 20 से 26 तक खासकर जिनकी आइडेंटिटी है दाढ़ी है या जो हिजाब में रहते हैं वो यात्रा ना करें, घर से बाहर ना निकले। देखिए ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आप देखिए इतना डर है देश में अब, मैं कह रहा हूँ कि जब कोई दंगाई बलवाई सत्ता पे कायम होता है तो ये डर बहुत लाजमी है। आप मध्य प्रदेश में देखिए प्रवेश शुक्ला ने किस तरीके से आदिवासी ऊपर जो है किया, ये इम्प्यूनिटी कहाँ से आती है, निडरता कहाँ से आती, कानून के को लेकर के भय किस समाज में नहीं है? जो दंगा है, जो दंगाई है, बलवाई है, जिसको स्टेट का संरक्षण प्राप्त है, तो कोई भी आदमी या कोई भी लीडर जो शांति पसंद है, अमन पसंद है, वो तो कोशिश करेगा ना कि कोई ऐसी घटना ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि अनहोनी ये करेंगे, ये तो दंगाई हैं, ये तो बलवाई हैं, ये तो लिंचिंग करते हैं, और इन लिंचिंग करने वालों को बढ़ावा ही सरकार देती है। अच्छा बताइए ऊना आइडेंटिटी के नाम पे तो गोली मारी ना चेतन सिंह ने ट्रेन में, तो उसी को ध्यान में रख के सब कुछ किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कौमती को इतने लेवल तक का डराया गया है और ये लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई क्योंकि सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे रही माइनॉरिटी को, अगर माइनॉरिटी सेफ फील नहीं कर रहा है तो सरकार की फेलियर, माइनॉरिटी की थोड़ी फेलियर है। दुनिया में जितनी देश हैं जहाँ की माइनॉरिटी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसकी बदनामी है। ये सरकार तो बेशरम है, बेहया है, इसको अपने देश की साख की कोई चिंता ही नहीं है। सरकार पे तो बड़ा सवाल है सर, देखिए लोग डरे हुए हैं घर से निकलने को, तो मैं कह रहा हूँ ये डरा कर ही, तो मैं कह रहा हूँ जैसे आप देखिए 22 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ सपा चुनाव जीत सकती थी वहाँ के वोटरों को डराया गया, लाठियाँ बरसाई गई, पुलिस का खौफ दिखाया गया, लोगों को जो है चेतावनी दी गई, दूर दूर तक जो है डर रहा है, तो जो डर के मारे लोग वोट नहीं दिए, निकले ही नहीं वोट, उनको वोट ये सब साइकोलॉजिकल टेरर बनाया जाता है ताकि लोगों के वोटिंग पैटर्न को लोग वोट नहीं देने निकलेंगे तो अपने आप जीत जाएंगे, तो ये सब स्टेट का तरीका होता है, मशीनरी होती है लोगों से वो करने का। लेकिन राम राज्य में डर की क्या बात, राम राज्य चल रहा है, डर की बात? देखिए राम राज्य का आप बयान सुन लीजिए, ये शंकराचार्यों का, हाँ तो वो आप समझ लीजिए कि रामराज कितना लिचलिचा टाइप का है, आप समझ लें
प्रधानमंत्री को ही जो शंकराचार्य कह रहे कि कौन होते हैं, वहाँ बैठ के हम ताली बजाएंगे। तो ये इतना कंट्राडिक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो राम राज हिंदू राज की बात करें, बाबा साहब ने बहुत ही सलीके से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश हिंदू राज नहीं बनेगा और न कभी बनेगा। जो बने तो इसको किसी भी कीमत में नहीं बनने देना। अब बाबा साहब की स्टेटमेंट को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि न हम लोग जब तक बाबा साहब का अनुयायी रहेंगे तब तक इस देश को उस रास्ते पर नहीं ले जाने देंगे जो बाबा साहब ने जिसको मना किया है। तो बाबा साहब से जिसको दिक्कत है वही ये बात बोल रहे हैं। बाबा साहब के मानने वाले तो कोई हिंदू राज की बात नहीं कर रहा। कह रहे हैं मीडिया वाले खास करके, जो मंदिर राम मंदिर जाएगा उस अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया के लोग कुछ भी कहते रहे, मीडिया के लोग जनता का वॉइस नहीं है ना। दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉइस ऑफ पीपल। पहली चीज, मैसेज एक संदेश तो दे, संदेश एक प्रोपेगेंडा है। मीडिया में प्रोपेगेंडिस्ट भी है ना, मीडिया में कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। जो राम मंदिर जाएगा उसको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, अब अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। बाबा रामदेव, एक वाकया याद आ गया, बाबा रामदेव हाथी पे चढ़ करके योग कर रहे थे, ऊपर से गिरे, उनका कूल्हा खिसक गया। वो पतंजलि नहीं गए, कहाँ भागे? एम्स गए। तो ऐसे ये लोग जो पत्रकार हैं ना, ये भी भागेंगे एम्स, ये मंदिर नहीं जाएंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि फूस का छप्पर, क्या है वो शेर जो है कि फूस का छप्पर जलते देख करके, मैं बहुत बढ़िया शेर है किसका जो है कि पीछे तेज हवा है अगला मुकद्दर तुम्हारा है। उसी तरह से कि दूसरों का घर जलता हुआ देख करके जो तुम खुशी मना रहे हो, पीछे आग जो है तूफान है, आग है, आग के पीछे तूफान है, अगला नंबर तुम्हारा है। तो जो लोग ये बढ़ चढ़ के फपक फपक के बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कोरोना में भाजपा के नेताओं को तड़पते हुए मरते हुए हम लोगों ने देखा है। उनको कंसंट्रेशन वो नहीं मिला जो है, रो रहे तो उनको जो है गैस सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। तो ये रोते हैं, ये बस कहिए कि अपना सत्ता के साथ हैं तो इनका प्रिविलेज बना रहे, सुप्रीमेसी बना रहे, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है।